हेलो दोस्तों, आज आपको सीआरटी टीवी का जो बेसबोर्ड है, बेसबोर्ड रिपेयरिंग करने का कुछ टिप्स आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो सीआरटी टीवी के अंदर कुछ भी कलर प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कुछ भी एक कलर अधिक देखा जाता है, हो सकता है रेड कलर, हो सकता है ग्रीन कलर, हो सकता है ब्लू कलर का साथ पिक्चर आ रहा है, जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए वो कलर नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बनाया, जो कलर प्रॉब्लम का ऊपर और बेस बोर्ड प्रॉब्लम का ऊपर मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करेगा तो ये सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट कैसे चेक किया जाता है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो का नीचे जो टाइटल देख रहे हो, टाइटल का बाएं साइड जो चैनल का लोगो, ठीक है, तरंग इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल का लोगो आप देख रहे हो, वो लोगो पर क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन हो जाएगा, और उसका ऊपर आप देखेगा तो वीडियो, कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, और प्लेलिस्ट, इस तरह ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लेलिस्ट पर चेक करेगा, क्लिक करेगा तो अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज आपको ये जो बेसबोर्ड स्क्रीन का अंदर, ये जो बेसबोर्ड आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर, आप अच्छा करके देखिए कि ये बेसबोर्ड को मैं रिपेयर किया, ठीक है। रिपेयर करने के बाद बट मैं कस्टमर को बताया कि ये बेसबोर्ड तो रेडी हो गया, बट ये जो बेसबोर्ड रेडी करने के लिए, तो दोस्तों क्या बताऊँगा, जितना मेहनत लगता है और जितना खर्चा आएगा, और न्यू बेसबोर्ड लगाने का बाद भी इतना खर्चा ही आएगा। तो पार्टी ने बताया है, तो ये मैं इस तरह रिपेयर किया, पार्टी इस तरह देखने के बाद वो बताया है कि सेम खर्चा आएगा तो आप न्यू बोर्ड लगा दीजिए। तो दोस्तों, एक्चुअली आपको ये वीडियो के अंदर जो बताना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताता हूँ कि देखिए, इस तरह बहुत पीसीबी को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन जो है, कभी कभी कलर आता है, कभी कभी कलर चला जाता है, इसी तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर खुद जब फॉल्ट हो जाता है, या पर ये 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, इसका अंदर तीनों ट्रांजिस्टर देखा जाता है। मान लो ये रेड लाइन का जो ट्रांजिस्टर वीक हो गया, ठीक है, हो सकती है ट्रांजिस्टर रेड लाइन का वीक हो गया, इसी का रीजन से कभी कभी कलर फ्रेश आएगा, कभी कभी रेड प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर वीक हो जाएगा, तो मान लो ये ग्रीन ट्रांजिस्टर है, कभी कभी ग्रीन पिक्चर नहीं आएगा, कभी कभी कलर ओके आ जाएगा, इस तरह कभी कभी ग्रीन कलर भी ज़्यादा आ जाता है, इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेन रीजन कलर ट्रांजिस्टर, और उसका बाद दोस्तों पीसीबी से भी हो सकता है, बट आपको ये वीडियो के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह ओरिजिनल पीसीबी को रिपेयर करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ता है। देखिए, जिस तरह मैं किया, एक्चुअली ये पीसीबी को मैं ओके रेडी किया, देखिए ये जो वायर है, ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये जो ऊपर पोजिशन एक ट्रांजिस्टर है, आप अच्छा करके देखिए, ये ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन होता है, जो कलेक्टर पिन, यहाँ पर सप्लाई आता है, ठीक है। ये जो सप्लाई लाइन, देखिए ये लाइन को मैं पूरा कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, देखिए ये जो लाइन, ये आप फॉलो करेगा तो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मोटा वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है, और ये जो लाइन जा रहा है, देखिए यहाँ पर, मतलब ये जो मेन 184 लाइन है, ये 184 लाइन से तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है, तीनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह ये जो रेजिस्टेंस देखिए रेड वायर में लगाया, यहाँ से इसका बीच ये जो वायर लाइन देखिए मैं कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर का पिन है, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर दिया। अब अच्छा करके देखिए, तो इसी तरह ये जो लाइन है, इसका नीचे देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये लाइन को मैं पूरा कट कर दिया, जो फॉइल लाइन है पूरा आउट कर दिया, और यहाँ से रेजिस्टेंस से मैं वायर लेके ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पर कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों, ये क्यों मैं किया, ठीक है, क्यों किया, कभी कभी इस तरह करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मिडिल, यहाँ पर जो 184 लाइन से जो रेजिस्टेंस है, और उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज अधिक हाई आता है, ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और एमिटर पिन, दोनों साइड जो पिन है, इसका अंतर, मतलब गैप बहुत कम है, बहुत पीसीबी का अंदर इसका गैप बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। तो इसी का वजह है, जब ये लाइन के अंदर वोल्टेज आ जाता है, तो ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी बहुत हीट हो जाता है। हीट होने का रीजन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत काला हो गया,
और इसी का बजाय ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हो सकता है, कलेक्टर पिन का साथ एमिटर पिन हो सकता है, बेस पिन हो सकता है, इसका साथ फायरिंग आ जाता है। ठीक है, जब कभी कभी फायरिंग भी नज़र में आ जाता है पीसीबी सप्लाई देके दिखने का बाद, तो उसी कंडीशन पर कलर डिसकलर हो जाता है, और इस तरह हर टाइम चलने का बाद ये पोजीशन पूरा काला हो जाता है, बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो ये इसी कंडीशन पर ये ट्रांजिस्टर भी खुद फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम ये रिपेयर करने का समय एट ए टाइम ये ट्रांजिस्टर को चेंज करना ही पड़ता है। चेंज करने के बाद ये फॉइल लाइन को पूरा कट करने का जो रीज़न है कि ये डायरेक्ट सब पर ये फॉइल लाइन से नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर से जाएगा, वायर से जाएगा, और डायरेक्ट ये ट्रांजिस्टर पिन पर आपको ये वायर को सोल्डरिंग कराना पड़ता है। ठीक है, बट इसी तरह करने के बाद पीसीबी लॉन्ग टाइम ये चलता है। ठीक है, हो सकते हैं बहुत कुछ रीजन से पीसीबी का बहुत कुछ पार्ट्स जल गया, हो सकता है छोटा छोटा कंपोनेंट जल गया हो सकता है, और ये 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, बट बहुत जो ब्रांडेड पीसीबी मतलब वीडियोकॉन, सैमसंग, अकाई, ठीक है, फिलिप्स, इस तरह बहुत पीसीबी का अंदर 9 ट्रांजिस्टर भी देखा जाता है, 6 ट्रांजिस्टर देखा जाता है, तो उसका अंदर भी इस तरह फॉल्ट हो जाता है। और ट्रांजिस्टर चेंज करने के लिए आपको बहुत कुछ ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइम लॉस हो जाता है। और दोस्तों ये पीसीबी आपको बताना चाहता हूँ, ये पीसीबी बहुत सस्ता में मार्केट पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पुराना पीसीबी है, इसी का रीजन से दोस्तों देखिए ये फॉयल लाइन बहुत टूटा फूटा है। ठीक है, ये पीसीबी को मैं चेंज कर दिया। तो एक बात आता है कि यह हर जगह पर नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी टाइप पीसीबी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी टाइप पीसीबी हो सकता है, ये स्मॉल बेस है, बिग बेस भी हो सकता है, आप न्यू आप लगा सकते हो, बहुत सस्ते में मार्केट के अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या बात है आपको, मेरे पास कुछ पीसीबी स्टॉक है। ठीक है, ये देखिए ये स्मॉल बेस वाला, ये चाइना टाइप है। ठीक है, ये चाइना टाइप स्मॉल बेस है, तो इस तरह एक बेस मैं लगाया, कस्टमर भी खुश हो जाता है न्यू बेस लगाने के बाद। ठीक है, और पैसा भी थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हो न्यू बेस लगाने के बाद। ठीक है, तो मैं एक न्यू बेस लगाया, इस तरह मैं बहुत बेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पर दोस्तों इसी तरह अब रिपेयर करेगा तो पीसीबी रिपेयर हो जाता है, जिसके अंदर 9 ट्रांजिस्टर है, वो भी बहुत टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी कंडीशन पर आप इस सब बेस को आसानी से चेंज करके न्यू बेस लगा सकते हो। ठीक है, बहुत फ्रेश ये ब्रेस है। ठीक है, अलग अलग टाइप का ये स्मॉल बेस है, और एक टाइप स्मॉल बेस भी है। ठीक है, ये भी एक टाइप स्मॉल बेस है, तो आप ये बेस लेना चाहता हूँ तो ठीक है, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं एक ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन स्टोर मैं ओपन किया, वहाँ से आप पीसीबी देख के कौन सा पीसीबी आप लेना चाहता हो बेसबोर्ड का आप ऑर्डर कर सकते हो। देखिए ये स्मॉल है, ये बिग नेक वाला है। ठीक है, ये स्मॉल है, ये बिग नेक वाला है, बट दोस्तों ये स्मॉल बेस आप खरीद करेगा तो यहाँ पर बिग बेस भी आप लगा सकते हो, इसका अंदर लगाने का पॉइंट है, और ये बिग नेक वाला बेस बोर्ड आप खरीद करेगा तो यहाँ पर आप स्मॉल बेस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, आसानी से आप लगा सकते हो बेस को ओपन करके। ठीक है दोस्तों, तो ये चाइना टाइप है, ये चाइना टाइप कुछ भी टीवी के अंदर यूज़ किया जाता है, मैं प्रैक्टिकली बहुत वीडियो बनाया कैसे लगाया जाता है। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिकली आपको बहुत वीडियो के अंदर दिखाया। और दोस्तों मेरे पास आर एक टाइप बेस है जो एलजी के अंदर अधिक देखा जाता है, बहुत ब्रांडेड पीसीबी के अंदर देखा जाता है, ये आईसी बेस बोर्ड। ठीक है, इसका अंदर जो आईसी है देखिए TDA 6107Q। ठीक है, ये बेस बोर्ड है, ये बहुत छोटा सा छोटा टाइप है, मतलब ये नॉर्मल टाइप है, स्क्वाड टाइप, ये बिग है, ये बेस ओपन करके आप स्मॉल बेस भी लगा सकते हो, इसके अंदर लगाने का पॉइंट भी है। और ये बेस बोर्ड का अंदर देखिए क्या बात होगा, मेरे पास ये एक आईसी बेस बोर्ड है। ठीक है, ये एक आईसी बेस बोर्ड है, बट दोस्तों ये बेस जो है, ये बेस का अंदर कुछ भी प्रिंटिंग नहीं है, जो RGB जो होता है प्रिंटिंग नहीं है, बट यहाँ पर जो ये बेस है देखिए, ये बेस का अंदर प्रिंट है। ठीक है, देखिए फिलामेंट सप्लाई ग्राउंड 180 वोल्ट, और देखिए ये GND RGB, ठीक है, IK, ये सब पेंट है, यहाँ पर लगाने का जो पॉइंट है, आसानी से ब्रांडेड पीसीबी का अंदर भी ये आईसी बेस बोर्ड आप लगा सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये 9 ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड है, अब देखिए इसका अंदर ये
तीन तीन ट्रांजिस्टर है, एक एक कैथोड जो कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। ये 9 ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड है, इसका अंदर भी प्रिंटिंग है, ठीक है। आर जी बी जी एन डी आई के 180 वोल्ट जी एन डी हीटर, ये सब प्रिंट है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास जो स्पेशल बोर्ड है इसी टाइप, ये स्पेशल बहुत स्पेशल बोर्ड है। देखिए ये बेस का जो स्पेशलिटी है, देखिए इसका अंदर देखिए जो आई के वोल्ट और 9 वोल्ट ये भी प्रिंट है जी एन डी आर जी बी, ठीक है। सेम तरह ये नीचे भी प्रिंट है जो जी एन डी आई के बी आर जी, मतलब थोड़ा घुमा के इसका अंदर प्रिंट है, ठीक है। जो आप आसानी से ये पॉइंट पर भी, ये पॉइंट पर भी लगा सकते हो, वायर को घुमाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन सेम ही है, बट इधर उधर घुमा के उसको दोनों पॉइंट कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो बेस बोर्ड है, इसका जो फैसिलिटी है, ये बहुत छोटा टाइप है, ठीक है, बहुत ही छोटा स्मॉल है। क्योंकि बहुत जो टीवी होता है, टीवी का अंदर मान लो इस तरह बेस, बड़ा वाला बेस बोर्ड आप लगाया, और कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट मतलब टीवी का जो बैक कवर, वो ढक्कन अब टाइट करने का समय देखा जाता है कि ये कैबिनेट के अंदर लग जाता है। हो सकता है ये थोड़ा इधर बड़ा हो गया और कैबिनेट के अंदर अच्छा तरह से फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह भी हो सकता है ओरिजिनल टीवी के अंदर जो बेस बोर्ड था छोटा था, और आप ये बेस बोर्ड लगाया 9 ट्रांजिस्टर देख के, तो ये बहुत पिक्चर ट्यूब का जो अंदर लगाने का बाद कैबिनेट लगाने का समय वो टच हो जाता है, कैबिनेट अच्छे से फिट नहीं होता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि इसी तरह स्मॉल बोर्ड लगाएगा तो कुछ भी टीवी का अंदर, ठीक है, ये आसानी से फिट हो जाता है, ठीक है। ये लगाने का तरीका बहुत सीधा साधा है, बहुत टफ नहीं है। मैं इसका ऊपर अलग अलग पीसीबी के ऊपर किस तरह लगाया जाता है प्रैक्टिकल वीडियो, बहुत वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए बिग नेक वाला बेस है, ठीक है, बिग बेस है। यहाँ पर स्मॉल बेस भी आप लगा सकते हो, ये बेस ओपन करके यहाँ पर देखिए लगाने का भी पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों यही मैं वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कलर प्रॉब्लम आ जाएगा तब आसानी से ये सब बोर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, और कुछ भी जगह से आप ये खरीद कर सकते हो। बट ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक ऑनलाइन स्टोर लिंक दे दिया, वहाँ पर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बट दोस्तों ऑर्डर करने का बाद, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप का अंदर सब कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और दोस्तों क्या बात होंगे, एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगेगा आप जितना क्वांटिटी लेना चाहता हो। और दोस्तों एक बात मैं क्या बताऊँगा कि कुछ भी प्रोडक्ट लेने का पहले आपको फर्स्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा। बट टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आज तक मैं जितना मेरा जो व्यूअर्स है सबको मैं सेंड किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक यू ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।